आरजेडी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर पलामू लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद सब बसपा पार्टी के प्रत्याशी कामेश्वर बैठा ने बड़ा आरोप लगाया है। कामेश्वर ने सीधे लालू यादव को निशाने पर ले लिया है। बसपा कार्यालय पहुंचे कामेश्वर ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो दलित विरोधी है, वे टिकट देने में सौदा करते हैं। उन्होंने अपने साथ बड़ा खेल होने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने बाहरी को टिकट दिया है। ममता भुइयां पलामू की जरूर है लेकिन ससुराल उनका जमशेदपुर में है। आज ममता भुइयां भी टिकट लेकर पछता रही हैं। तो ये जो टिकट जिस तरह से ने जो सौदा किया, खेल किया गया, खेल किया गया, और हम समझते हैं कि आज लालू जी जो है ये सचमुच दलित विरोधी है, दलित विरोधी है। आज जिस तरह से समाज को आउट किया गया, अगर यहाँ के कोई भी लाल कर, चाहे हमारे यहाँ जो भुइयां जाती है, चमार जाती है, रजवार जाती है, धोबी जाती है, मुसहर जाती है, कई जातियां हम लोग दलित में आते हैं, अगर इनमें से किसी को पलामू के लोगों को दे दिया जाता, भुइयों के देना था तो बहुत सारे भुइयां थे, तो लोगों ने आज स्वीकार लेता।